तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवारी क्रू। दोस्तों, एम्स से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट न्यूज है। एम्स में ईडब्ल्यूएस का कोटा भी इस बार लग सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन भी लगभग क्लियर है। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। 4 न्यू एम्स ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि हमारा एम्स जम्मू है, गुवाहाटी है, बिलासपुर है और राजकोट है। ये चारों एम्स इस बार ऐड हो सकते हैं। एमसीसी की सीट मैट्रिक्स पर आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं जो पुराने एम्स हैं ऑलरेडी, जिसमें एम्स न्यू दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, जोधपुर हो गया, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, रायपुर, पटना, इन सब में भी ईडब्ल्यूएस की सीटें 11 11 इंक्लूड हुई हैं लगभग। और अगर मैं बात करूं टोटल जो सीट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ हो गई 125। मीन्स जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ईडब्ल्यूएस का कोटा इंक्लूड होगा तो टोटल स्ट्रेंथ का 25% सीट्स ऐड हो सकती हैं। मीन्स टोटल इंस्टेंट जो थी 100, वो 125 के करीब जा चुकी है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो पिछले साल नए एम्स थे, लाइक मंगलागिरी, नागपुर, तेलंगाना, गोरखपुर, रायबरेली, कल्याणी, देवगढ़, भटिंडा, ये सारे एम्स नए थे, पिछली बार के नए एम्स थे, तो इसमें 50 सीट्स थी, उसकी स्ट्रेंथ भी 100 से ऊपर हो गई है। मीन्स हर साल ऐसा होता है कि जो नए एम्स होते हैं उसको उसमें सीटें इंक्लूड की जाती हैं, तो इसमें कई सारे एम्स हैं जिसमें सीटें इंक्लूड की गई हैं, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बढ़ी है। इसके अलावा जो एम्स राजकोट, बिलासपुर, गुवाहाटी और जम्मू हैं, इसमें इस बार 50-50 सीट्स रखी गई हैं। और अगर इस बार से इसका, जैसे कि मोस्ट प्रोबली सुनने में आ रहा है कि इस बार से इसका बैच शुरू होगा, तो 50-50 सीट्स रह सकती हैं। तो टोटल 1899 सीट्स हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 760 से ऊपर सीटें हैं, जनरल फिजिकल हैंडीकैप के लिए 40, एससी के लिए 267, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग, अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल सीटें हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 170 से ऊपर सीटें हैं, एसटी कैंडिडेट्स के 129 के करीब सीटें। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इससे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, खासकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि 170 से ऊपर सीटें आपको मिल जाती हैं। दैट मीन्स कि ईडब्ल्यूएस रैंक जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अच्छी खासी अगर रैंक होती है, मीन्स अगर कम भी रैंक होती है और उनकी ऑल इंडिया रैंक काफ़ी ज़्यादा भी होती है, फिर भी उनको सीटें बड़े आसानी से मिलेंगी। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो भी काफ़ी ड्रॉप हो सकता है। मीन्स जो एम्स, जो नए एम्स हैं उनका कट ऑफ तो 640-650 के करीब जा सकता है, जहाँ तक जनरल की बात है। और जो पुराने एम्स हैं, मीन्स पुराने में भी जो नए एम्स थे, जो रायबरेली थे, जोधपुर था, वो सारे 650 के रेंज में आ सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नए एम्स अभी भी कैंडिडेट्स उतना प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन जिन्हें अगर सीटें कहीं भी नहीं मिलेंगे तो वो एम्स में आएंगे ही आएंगे। तो बेसिकली क्योंकि इट्स बेटर टू गेट दी एमबीबीएस सीट रादर देन ड्रॉप, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फायदा हो सकता है और एम्स में सीटें आसानी से आपको मिल सकती है। खासकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस के रैंक और ऑल इंडिया रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ईडब्ल्यूएस के रैंक कैंडिडेट्स को काफ़ी पीछे तक सीटें मिल सकती है, इवन ओबीसी से भी नीचे तक सीटें मिल सकती हैं। तो कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, ये मैंने बनाया हुआ है। तो बेसिकली आप लोग के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है ये, और आई होप कि आप लोग को एम्स न्यू दिल्ली भी आसानी से मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो टॉप 25, मीन्स टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस के बहुत कम ही हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा एम्स न्यू दिल्ली के लिए, वो भी काफ़ी नीचे जा सकता है, मीन्स 690 या 685 या 690 के करीब जा सकता है ईडब्ल्यूएस का, तो ये देखना पड़ेगा। इसी तरह से भोपाल, भुवनेश्वर हो गया, तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं जो जिनकी रैंक है 30, 40, 50 के करीब, उनको आसानी से जो पुराने एम्स है वो मिल सकते हैं, जो वेल डेवलप्ड एम्स है। और जो नए एम्स हैं या जो नए जुड़ेंगे वो तो आपको और भी कम स्कोर पे मिल सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि एम्स में सीटें ऐड हो सकती हैं।